ताली हमारे कैसे लोग पहलवान तबरेज पटेल महामा मग पहलवान महम्मद हसैन पटेल इवर प्रतिस्पर्धी अक्बर अफसर मैसूर के स्वागत अखाड़ मेले बंद अंतिम तीर्मान रेफरी का डिसीजन डिसीजन से कोई भी चीज में गलत नहीं कोई भी अखाड़े के ऊपर भी नहीं चलना मोहम्मद हसैन पठान पहलवान तबरेज पठान और मग इवर प्रतिस्पर्धी पहलवान अक्बर इबू सह सिद्धर अखड़े हमारे
अबू बकर शिकारीपुर के अबू बकर महेश हमारे इंडिया का फ्यूचर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। लाला मेरे तेरे मामा रहने हमारे श्रीनिवास गौड़ा साहब को मिला स्पोर्ट्स वेलफेयर काउंसिल के तरफ से हमारे हाजी मुजाहिद साहब उनका पुरफुलूस सर मदेवा हल्लब जी पहला इंश्योरेंस पहले प्रभुरा दोनों जगह स्टेट में जो है इनके बहुत जबरदस्त सर्विसेस रहे माशाल्लाह रजीम के वास्ते इनका हमारे बीच हमारे हरदिल अजीज तनवीर शेख साहब यहाँ से तो कहना तक के इकड़े बने इकड़े बने मुझे इकड़े बने को कर्नाटक के बेस्ट एमएलए हमारे बीच में आए हैं, इनका थालियों से स्वागत करें भाई। भाई की थालियां नमन के, नमन के। सलमान खान हमारे अभी जो बच्चों की जोर में हमारे पंडित जी हमारे लिटरेट हमारे हमारे इसी बात पर हमारे इसी एरिया के बात पर पंडित जी जवाब से सलमान सलमान खान और लाला मियां गवई साहब इनकी जोर जो है हमारे तमीर से साहब छोड़ रहे हैं काटा कुश्ती है अजय सरन और सुन रहे हैं मारपीट आप मैं लेते हैं मारपीट मारपीट अच्छा आ जाओ गोदी बार आ जाओ सामने आ जाओ सर अभी मैं जो नटम रहे मैं मेरे बहुत बड़े हैं पहली क्या मैं मेरे को हाँ के वो सलमान खान पंडो में लगाया था भाई कौन हेलो बने स्टेज के सामने से सब जगह बनाए भाई मेहरबानी से स्टेज के सामने से कोई है इस वजह से कि हमारे इस मीरा स्पोर्ट्स वेलफेयर काउंसिल के सदर हमारे आए हैं आप सब इनके लिए दुआ करें और तालियां मारे भाई Thank you.
तंजे के देश मिलाद स्पोर्ट्स वल्सर कौंसिल का सेक्रेटरी में उसमें 60 जोड़ रखे थे, 60 जोड़ में 130,000 नाट गुश्ती को पेंट गुश्ती को 1,35,500 उनका प्राइस पूरा चुका था। नेशनल लेवल के कुश्तियाँ वैसो इसमें मारपीट कुश्ती थी, वो मारपीट नहीं एक टाइम हमारे पुलिस का 10-30 को था सो वो टाइम वजह हुआ 11 बजे तक कुश्ती हो गई। 40 मिनट की कुश्ती रखे थे, 40 मिनट कुश्ती में अच्छा काटा कुश्ती होने के बाद धारवाड़ का पहलवान भी कोल्हापुर का पहलवान ना दो भी 110 किलो एक 118 के जी का पहलवान दो भी मारपीट कुश्ती हुई। मारपीट कुश्ती होने के बाद कमेटी तय करे क्या तय करेगा तो ये कुश्ती मारपीट नहीं होती सुबह हो जाती, इसे ये 40 मिनट का टाइम होना तो 40 मिनट की कुश्ती लड़ी, 40 मिनट में ड्रा हुई उनका प्रेस भी चुका था। अब रहा ये हमारे तंजीर शेठ साहब का हम हर साल से भी अजीत शेठ साहब के ज़माने से भी हमने मेरा दी स्पोर्ट्स बड़ा अच्छा इंतजाम करते हैं, पुलिस का आर्डर रहो सब चीज़ रहो हमने अच्छा ऑपरेट कर दिया। एक बार उनको सदर बनाए डिसेंट हाँ, उसके बाद पूरा ग्राउंड में हमारे कुश्तियाँ कभी नूरा कुश्ती होती नहीं, नूरा का माना बातचीत की कुश्ती नहीं, करना है तो काटा कुश्ती। नेशनल लेवल से आना कौन अच्छा फंड दिखाता उसे पैसे मिलती, कैश प्राइज, कैश प्राइज लिया तो कप्पा नहीं देता, कप्पा दिया तो कैश प्राइज देते नहीं, इसे पहले तय कर कोई। और क्या सवाल का जवाब पूछते हैं, ये कहा है कि इस कुश्तियों को ये फंड जो है नौजवानों को इसी तरह आगे बढ़ाना है तो वो उनकी तरफ से पूरी ताईद है आपके लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? रणवीर सर का एक पैगाम क्या है तो हर महीने में एक कुश्ती एक दंगल होना स्टेडियम हमारे कंट्रोल में लागू देते सदर उन्होंने श्रेंगे मिलाद स्पोर्ट वर्ष काउंसिल के नाम से ये स्पोर्ट कभी मैं रह तक सदर इंशाल्लाह कभी साथ दे दूँ हर हमारे हमारे लब्बे कभी हमें जाकर काट देती तो कभी लब्बे को हमारा फंड को कभी साथ देती और कभी जिंदगी में हमें जाकर किसके पास भी चंदा लेना कोई प्रूफ भी कर दिया तो हम उसे क्या बोलते हैं तस्लीम करते हैं पूरी कमेटी करती सो इंशाल्लाह। दंगल को कहाँ कहाँ से आए थे? बेलगाम, शिवमोगा,
हरियाणा सब गाँव से आए, एक 70-13 गाँव से भी आए। मैसूर में जो कुश्ती का जो दंगल होता है, क्या ये सारे रियासत नहीं पूरे इंडिया के वास्ते एक पहचान मिल जाएगी? इंशाल्लाह पूरे इंडिया को भी पहचान मिल जाएगी। सर आपकी जो दंगल में जो भी बॉडी शो हुआ, तमाम टीम आपने साथ दिया, तो किस तरह शुक्रिया अदा करेंगे तमाम का? मैं कहता कम बोला तो गमाडियन का उत्तम का शुक्रिया अदा करना होगा भी हमारा दंगल फुल पब्लिक जम जा को भी इनका पाँव का दर्द आ रहा हमको, हमने छात्र का दर्द पाँव पाता हूँ वही आ। अस्सलाम वालेकुम, ये मिलाद स्पोर्ट्स वेलफेयर काउंसिल, ये पूरा हमारे डाइट सैयद मुजाहिद उन्होंने बहुत मेहनत करती और उनकी कमेटी के मेंबर्स जैसे प्रेसिडेंट अब अल्हाज तनवीर सेठ साहब, प्रेसिडेंट का हौदा लेके ही वाइस प्रेसिडेंट नसीरुद्दीन बाबू साहब और हमारे वालिद सैयद मुजाहिद साहब सेक्रेटरी ही और जॉइंट सेक्रेटरी मुदस्सिर साहब ही और इब्राहिम साहब ही, ऐसा पूरे ट्रस्टीज मिल को 25 ईयर से मिलाद स्पोर्ट्स वेलफेयर काउंसिल की तरफ से ये पूरे स्पोर्ट्स इवेंट्स जैसा नाथ कॉम्पिटिशन हो, बॉडी शो हो, रेसलिंग कुश्ती कॉम्पिटिशन्स हो, बॉडी शो हो, सब इवेंट्स को मैनेज करती और इसके पूरे ट्रॉफीज ही ट्रॉफीज जो मिलाद बाग में डिस्ट्रीब्यूट करती। इस तरह आप जो देख नौजवान है, जो कुछ भी देखते हैं आपके वालिद और उनके दोस्तान जो ये सब करते हैं, तो आपको अंदर से किस तरह का जज्बा पैदा? माशाल्लाह बहुत प्राउड फील होता ये सभी इवेंट्स जो यूथ्स के वास्ते करती, नो सामने बढ़ने के वास्ते करती, वो वास्ते बहुत अच्छा। आपको जो है ये जितने भी खेल वगैरह इसमें जाते हैं, आपको किसमें दिलचस्पी है? नहीं, हर एक स्पोर्ट्स में है, ज्यादातर कुश्ती का प्रोग्राम हम ग्रैंड से सेलिब्रेट करती हमें, जैसे तनवीर सेठ साहब है, ऐसा एसपी डीएसपी मिनिस्टर्स भी आती, इस बार उनको मौका नहीं हुआ, सीएम का प्रोग्राम था घर के आके नहीं होना, अगली बार इससे भी बहुत अच्छा इवेंट होता। वालिद को जो है पहलवान के रूप में भी देखते हैं, पहलवान नहीं, पहलवान तो नहीं, वालिद पहलवान हमारे दादा पहलवान, तो हमें भी खानदानी निशानी है। इंशाल्लाह सामने कंटिन्यू होता हो, जो भी इवेंट चल रही इससे भी अच्छे से प्रोग्राम्स चलती। बच्चे मिलकर करती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जमाने दराज से शेर मैसूर तालीम पहलवान आदमियों की सेहत बनाने में मशहूर रहा है और ये तारीखी काम रहा है। माशाल्लाह दशहरा की कुश्तियाँ भी होती हैं और फिर मिलाद के मौके पर भी होती हैं, दूसरे मौके पर भी होती हैं। शहर मैसूर की खसूसियात में पहलवान और कुश्ती भी एक खसूसियत है और इससे अब के उभरते हुए नौजवान नई नस्ल को हमें पैगाम देना चाहते हैं कि ये सेहत अल्लाह की अमानत है, जिस्म को मजबूत करना चाहिए और जो मजबूत है उसकी हिफाजत करनी चाहिए। खामखा गलत चीज़ों में पढ़कर, नशे की हालत में पढ़कर या दूसरी चीज़ों में पढ़कर जिससे सेहत ख़राब होती है, अल्लाह के लिए इसको ख़राब ना करें, यह बहुत बड़ी नियामत है, इसको बचा कर रखें। बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में एक बार मिलती हैं, वैसे सेहत भी एक बार ही मिलती हैं, इसकी बहुत सारी हमें मेहनत करने के बाद इसकी हिफाजत करना चाहिए। मिलाद स्पोर्ट्स वेलफेयर काउंसिल में माशाल्लाह हमारे जनाब अल्हाज सैयद मुजाहिद उर्फ मुजू साहब बड़े तन मन धन लगाकर इसी पैगाम को जारी करने के लिए कि एक नौजवानों में एक शौक पैदा हो कि वो अपने आप में जो है ना गलत चीज़ों को छोड़कर हर आदमी अपने आप में मजबूत हो और मौके पर इंशाल्लाह उल अजीज काम भी आ सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह पिछले 15 दिन से हमारे मिलाद स्पोर्ट्स वेलफेयर काउंसिल के कई प्रोग्राम्स आप देखें, बहुत सालों के बाद जो खिरत का प्रोग्राम क्लासिक फंक्शन हॉल में हुआ वो भी जो है आलमी सतह पर जो है बहुत सारे बड़े बड़े वलमा जो है आकर अपना खिरत का मुजाहिरा करें, वो हमारे मौलाना इब्राहिम साहब के जेर नज़र हुआ। उसी तरह परसों कल परसों जो यहाँ भाई इसी ग्राउंड में जो बेस्ट फिजिक कॉम्पिटिशन हुआ, बॉडी शो हुआ, माशाल्लाह उसके अंदर भी जो है कई हज़ारों की तादाद और ऑलमोस्ट
पूरे कर्नाटक से, सूबे कर्नाटक से, बेलगाम, हुबली, धारवाड़, बीजापुर, बैंगलोर, मंडिया, यहाँ से सब जगह से जो है बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स आए, बहुत अच्छा मुजाहिरा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो पहलवानों का जो ये हुआ, दंगल हुआ, इसके अंदर भी जो है माशाल्लाह 2.5 लाख रुपए का जो इनाम रहा, बहुत इत्मीनान तरीके से। मैसूर के अंदर आज हालात बहुत ख़राब है, माशाल्लाह हमने पुलिस की एक ऐसी एक मदद, वो जो हमारे मुज्जू और हमारे दीगर साथियां पूरे लगन से, आज एक वाकया बोल दूं मैं, थोड़ा यहाँ पर पंडाल में ये जो पंडाल का अरेंजमेंट था वो थोड़ा काम वाले आकर करने में थोड़ा ऊंच नीच करने की फौर जो है हमारे सेक्रेटरी साहब इन्हों खुद, तो ये काम जो है पिछले 15-25 साल से हाथों से, हमारे हाथों से पोस्टर्स लगाकर जो है आज उन्हों साबित कर डाले कि आज जो उन्हों पूरा ये पंडाल अब जो देख रही मेरे पीछे जो स्टेज है, इन्हों खुद इनके हाथों से पूरे चेयर्स जोड़कर, मेहमान आती बहुत सारे, तो ऐसा एक लगन से ये स्पोर्ट्स को हमें बहुत सालों से चलाते हुए आ रहे हैं। इसका मकसद खालिस सोसाइटी के अंदर एक अच्छा एक माहौल बने, नौजवान जो है आने वाले दिनों में जो है माशाल्लाह उनकी सेहत को बना कर रखें। आजकल देखने में आ रहा है कि ऐसे ऐसे नशेली चीज़ें आ रही हैं, इन सब चीज़ों से बचकर जो है आज बहुत सारे वालदैन उनके यहाँ पर आए थे, वो देख कर गए हैं, उनको हमारे स्पोर्ट्स से एक अच्छा मैसेज क्या बोले दो उनके बच्चों को, आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स के साथ, सॉरी एकेडमिक के साथ, एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स भी इक्वली से अगर उनको इक्वली उनको डेवलप करेंगे, ओवरऑल डेवलपमेंट जो है हमारा वो खुद भी डेवलप होती, उसके साथ साथ हमारा मुल्क भी तरक्की करता है इंशाल्लाह। हमना हमारे सेठ साहब जो हमारे MLA साहब हैं माशाल्लाह, हमना वर्ल्ड क्लास स्टेडियम राजीव नगर सेकेंड फेज में उन्होंने बना को दे रही, और इसी हमारे प्रोग्राम्स को यहाँ पर देख कर उन्होंने खुद उसे ये ग्राउंड को भी उसी रकम से मैं डेवलप कर देता हूँ बोलकर हमें वादा कर करें इंशाल्लाह। आप सब दुआ करें और इंशाल्लाह कल जो है मिलाद बाग के अंदर बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होगा, आप सब शिरकत करें। वहाँ पर जो है ट्रॉफीज सारे जितने भी जो खिरत के और जितने भी बॉडी बिल्डर्स और जो पहलवान आज कैश नहीं लिए उनको जो वहाँ पर ट्रॉफी, वो भी बहुत सारे ट्रॉफीज देंगे, अच्छे क्लास वन ट्रॉफी, और क्रिकेट का भी मुकाबला हुआ माशाल्लाह, वो भी इंशाल्लाह आती यहाँ पर इंशाल्लाह, उनको भी जो है ट्रॉफीज दिए जाएगा इंशाल्लाह। आप दुआ करेंगे इंशाल्लाह और अच्छे पैमाने पर इंशाल्लाह हमें ये स्पोर्ट्स करने का अल्लाह ताला आसान बनाए। अस्सलाम वालेकुम।